खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के, जहां पर एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की कर दी हत्या। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिजवान अंसारी बुलंदशहर से लाइव जुड़ चुके हैं। रिजवान, हैवान पति ने कर दी अपनी पत्नी की हत्या, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मामला है दिल्ली सटे उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गाँव अगोता का, थाना अगोता का मामला है, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसके पति के किसी अन्य महिला से नाजायज ताल्लुक थे और उसकी पत्नी उससे महिला से मिलने पर रोकती थी। इसलिए आपस में झगड़ा होता था। पत्नी ने पति को समझाया, पति को गुस्सा आ गया, पति ने दो गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर ऊपर छत पे से ज़मीन पर फेंक दिया और इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया। रिजवान, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस को खबर दी गई, मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए और शव को अपने कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है, मामला गंभीर है और इसकी कई बिंदुओं पर इस हत्याकांड की जाँच कर रही है। शीघ्र ही आरोपी पति को गिरफ्तार किया जाएगा और भी इसमें जो प्रभावी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रिजवान, अगर आपने मृतक के परिजनों से बात की हो तो मृतक के परिजन क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरी घटना को लेकर? मृतक के परिजनों का कहना यह है कि जी, हमारी बेटी शबाना की शादी 15 साल पहले इस आबिद नाम के लड़के से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही इनमें पति पत्नी के बीच तकरार रहती थी। पति कुछ खोया खोया रहता था, पति थोड़ा अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता था और परेशान करता था, लेकिन हम ये सोच कर बर्दाश्त करते रहे कि आज ना आज के दिन मामला शांत हो जाएगा और ये खुशी से अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन पति बाज नहीं आया और पति ने उनकी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।